जन्नत की दिशा का पता नहीं, मन्नत का रास्ता मिला नहीं। क्योंकि जिस घर में माता पिता का मान हो, उस घर का दुर्भाग्य कभी आया ही नहीं। चाहे मंदिर में जाएं या काबा में, चाहे सजदा करें या आरती उतारें, लेकिन बार बार वही सच सामने आए कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और ना ही कोई पूजा है। माता पिता का आशीर्वाद हो तो हर दिन सौभाग्य का मेला है। कलयुग के इस श्रवण कुमार ने माता पिता की इसी भक्ति से शक्ति का वो रूप अर्जित किया है, जिसे कंधे पर डाले माता की इच्छा की पूर्ति करने ये बाबा के धाम की यात्रा पर निकल पड़े हैं। ठीक उसी तरह सतयुग में श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पर बिठा के चार धाम यात्रा पर गए थे। हरियाणा के भिवानी से आए श्रवण कुमार अशोक और उसके दो भाई मिलकर अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर अपने कंधों पर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा कर रहे अशोक का कहना है कि सतयुग के श्रवण कुमार भी एक इंसान ही थे, इसीलिए वह अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनकर दिखाना चाहते हैं और भोले की मर्जी के अनुसार ही अपने माता पिता को कंधों पर बिठाकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बताओ, श्रवण के माता पिता थे, उसने भी जन्म लिया था, वो भी निशान था, तो अन्य भी जन्म दिया, अभी अभी भी श्रवण बन के दिखावा, ठीक है। कोई भी ना लगा लो, माँ बाप तेरा किस के कर दे, अगर बेटा गए बेटी के लिए कुछ ना गरीब हो, उसने फिर भी अच्छा ला जाएगा। तो ये माता पिता अपने, ठीक है, घोड़े की मर्जी होगी, आप बुला ली। कितने भाई आप हैं और कितना पूरा परिवार है? जो परिवार तो ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, या भाभी हैं। अच्छा, तो कब से पहुँचेंगे और कितने दिन? क्या मर्जी घोड़ा क्या मैं नहीं कर रहा। अच्छा, वह उसकी मर्जी है। माता पिता कितने खुश दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माता पिता खुश लग रहे हैं, मनदान की आत्मा सही लग रही है। अच्छा। अशोक और उसके दोनों भाई माता पिता को कांवड़ यात्रा करने से बेहद खुश हैं, तो वहीं उनके माता पिता भी अपने बच्चों के इस कार्य से बेहद खुश दिखाई दिए। उसकी माता अपने बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी। आधुनिकता के दौर में जहां एक तरफ बच्चे अपने माता पिता के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार से आई ये तस्वीर माता पिता के प्रति बेटों के प्रेम की एक मिसाल पेश कर रही है। अशोक अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भ्रमण कराने के उद्देश्य से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और वह इसमें सफल होके वाकई कलयुग के श्रवण कुमार बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।